पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमःबदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीसह गोपिकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी देवई प्रियाई केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरि अद्वैत गदाधर शिव सति गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्तिश्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, किसने प्रभुपाद को पूछा नाम कीर्तन की अवश्य करणीय, कहते भगवान का जो नाम कीर्तन क्या अवश्य करनी चाहिए, ये इनका प्रश्न है। तो प्रभुपाद कहते हैं निश्चय, कहते परम विजयते श्री कृष्ण कीर्तनम या ही गौड़ीय मठेर एकमात्र उपास्य। पिछले प्रभुपाद का जो 108 उपदेश है उसमें जो सर्वप्रथम उपदेश ये है, ये सर्वप्रथम उपदेश है। इसलिए कहते परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, मतलब भगवान का जो संकीर्तन है कहते सर्वश्रेष्ठ रूप में कृष्ण कीर्तन का जय जयकार हो, कहते यही गौड़ीय मठ का एकमात्र उपास्य विषय है। इसलिए हमारी एकमात्र उपास्य श्री हरे कृष्ण महामंत्र है, क्योंकि कलिजुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतरे पारा। इसलिए श्री परीक्षित महाराज कलिजुग को स्थान नहीं दे रहे थे। जब कलिजुग प्रवेश करना चाह रहा था तब परीक्षित महाराज सोचने लग गए मैं इसको स्थान दूँ कि नहीं दूँ, स्थान देने में उसमें नुकसान किया नहीं देने में उसने लाभ किया है। उन्होंने बहुत इस विषय पर उन्होंने विचार किया है, बहुत विचार करते हुए लास्ट में देखा इसको नहीं देने में नहीं देने में ज़्यादा नुकसान है, देने पर नुकसान तो है लेकिन उतना नहीं, लेकिन नहीं देने पर ज़्यादा उसमें हानि है। और विशेष करके देखा ये जो कलियुग है ये कलियुग साधारण कलियुग नहीं, इसलिए कहते हैं के जाबी के जाबी रे भाई भाव सिंधु पार धन्य कलियुगेरा चय तन्य अवतार धन्य अवतार। इसलिए देखा धन्य कलियुगेरा चैतन्य अवतार, उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से देखा ये कलियुग साधारण कलियुग नहीं, ये धन्य कलियुग है। जैसे धन्य कलियुग में स्वयं कृष्ण ही राधा रानी की भाव अंग कांति लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आएंगे। सब जीव है लपार प्रेमेर बाता से पड़िया रहे लोचन अपनार दोसे। इसलिए वो लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं कद सब जीव पार हिल प्रेमर बाता से,
कहते प्रेम की हवा से ही कहते सब जीव पार हो जाएंगे। कहते आतुर अवधि क्या, आतुर जड़ अंध आतुर अवधि पार है। हाँ कहते जो जड़ है, जो आतुर है, जो अंधे है, जो लंगड़े लुढ़े हैं, वो सब के सब उसमें पार हो गए। सब जीव पार हो प्रेम रे बाता से, केवल हवा से सब के सब पार हो जाएंगे। हैं देखो हवा कहाँ से कहाँ तक आ गया। इसलिए हम लोग जो जीव है, कहते हमारी परमार्थ में कोई अधिकार है नहीं, परमार्थ में हमारे कोई अधिकार नहीं। किसी तरह से हमें चोटी पकड़ करके लाए गए और वो प्रेम रे हवा कहाँ से बही, नवद्वीप में है। नवद्वीप से हवा बही, बहते 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 हैं हमारे गुरुदेव रूप में आए, और हमारे गुरुदेव रूप में आ करके पता नहीं कैसे हमारे शरीर में थोड़ी सी छिटा बुटा कैसे लग गया है, लग गया तो हम भी वो बाढ़ में सबके सब बह गए, हम भी सबके सब बह गए। इसलिए उन्होंने देखा ये कलयुग में महाप्रभु सबको ऊपर में कृपा करेंगे हैं, जिनकी भक्ति में एकदम अधिकार है ही नहीं है। भक्ति में करे ना प्रभुपाद को किसी ने कहा वो ब्रह्मचारी चला गया, बोले जो गया तो गया, जो है अभी सोच रहा हूँ अभी तक कैसे। इसका तात्पर्य जो कह रहे हैं प्रभुपाद, इसका तात्पर्य जो कह रहे हैं, उन्होंने जो अनधिकारी है उनको भी उन्होंने अधिकार दिया है। लेकिन पहले पहले क्या होता था, पहले पहले वही भक्ति में आते थे जो बड़े सौभाग्यवान, जो बड़े सौभाग्यवान आते थे। जैसे हम विदेश में जाते हैं हमारे भारत में तो आचर आचरण कुछ है, लेकिन विदेश में तो कोई आचरण नहीं। अभी बोल रहे थे ना चाइना में हैं, कोई आचरण आचरण नहीं। जिस वस्त्र में पायखाना करेंगे उसी वस्त्र को पहने रखेंगे, उसी में भारत में भी धीरे धीरे हो गया। और छिपकली खाएंगे, मेढक खाएंगे, कुत्ते खाते खाने वाले हैं, ऐसे कोई कोई चीज़ को छोड़े नहीं, सांप सब खाने वाले हैं, गिरगिट खाने वाले सबके सब ये खाने वाले हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति के ऊपर में भी महाप्रभु का कृपा हुई, ऐसे गिरे हुए व्यक्ति के ऊपर में भी महाप्रभु का कृपा हुई है। और मैंने सुना स्वामी महाराज बोल कर गए, जैसे वो कम्युनिस्ट कंट्री है चाइना, एक दिन ये सबके सब खत्म हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा अगर कोई भक्त आएंगे चाइना से आएंगे, और रशिया से और चाइना से, जो देश पहले सबसे खतरनाक था, कम्युनिस्ट कंट्री थी, जिनको जेल में कोई भजन करेंगे तो उसको जेल में डाल देते थे हैं। उनको पता चला ये हरे कृष्ण वाले उनको जेल में डाल दिए थे, बोलो यहाँ पर हरे कृष्ण नाम कर ही नहीं सकते हो। ऐसे देश के ऊपर में भी महाप्रभु की कृपा होगी और ये लोग भी भक्ति में आएंगे हैं। अभी तो वहाँ पर गड़बड़ी हो रहा है चाइना में, गड़बड़ी हो रहा है चाइना में, हो सकता है अगर उनका कम्युनिस्ट खत्म हो जाएगा ना, सबसे ज़्यादा चाइना के भक्त देखे देखना भक्ति में सबसे ज़्यादा आएंगे। वैष्णव का जो मूल उपास्य है, कभी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही गौड़ीय मठ का जो मूल उपास्य भगवान का नाम है। इसलिए कहते श्री परीक्षित महाराज ने कलयुग को स्थान दे दिया। इसलिए कले कलेर दोषनिध राजन अस्ति एक महान गुण, उसके बाद में इसलिए कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजित। इसलिए बोले कीर्तना देव कृष्ण से कलयुग में एक विशेष गुण है, केवल थोड़ी सी हरि कीर्तन करने से जीवों को भगवत भक्ति भगवत प्राप्ति हो जाएगा। इसलिए उनने कलयुग को स्थान दिया है, कलयुग को स्थान दिया। और विशेष करके नाम प्रेम माला गांती पड़ाल जगजने, कहते ये भगवान का नाम क्या दूसरे दूसरे युग में था नहीं, हर युग में भगवान का नाम की महिमा है। सत्य युग में भी था, त्रेता युग में भी था, द्वापर में भी, हर युग में नाम की महिमा हर युग में था, लेकिन कलयुग में विशेष करके नाम की विशेष महिमा। बोले क्या महिमा है, कहते दूसरे दूसरे युग में जो हरि नाम करते थे
जीवों को क्या मिलता था? वैकुंठ गति मिलती थी, वा अयोध्या गति मिलती थी, वा वृंदावन गति मिलती थी। लेकिन कलयुग में जो व्यक्ति हरिनाम ग्रहण करेंगे उनको महाप्रभु के धाम में और कृष्ण धाम में युगपत, उनको दो धाम में उनको वास होगा। एक तो महाप्रभु का परिकर बन करके नवद्वीप धाम में जाएंगे, दूसरे कृष्ण परिकर बन करके श्री वृंदावन जाएंगे। और कलयुग में हरिनाम करने से महाप्रभु विशेष करके जो अनर्पित चरिन चिरात जो प्रेम को देने के लिए आए थे, कहते वो दुर्लभ राधा रानी की निकुंज की सेवा में जीव की अधिकार मिलेगा। ये एक में हरिनाम का एक विशेष वैशिष्ट कलयुग में है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, नाम उच्चारण कई भक्ति वलिया जानी बेन। जो हम लोग भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, कहते उसको भक्ति बोल कर जानना है। कोई बोलेगा ना, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चन वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम, ये जो भक्ति के अंग है, बोले ना भजन मध्य श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम ले पारमधन। जितने भक्ति अंग में 64 भक्ति अंग को श्रेष्ठ बताया गया है, 64 उसको सार लेकर के 9 तरह का, फिर उसको सार लेकर के 5 तरह का भक्ति क्या क्या है बोलो बोलो, 5 तरह की क्या, कौन सा भक्ति 5 तरह का? मथुरावास, भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन, श्रद्धा श्रीमूर्ति सेवन और साधु संघ। कहते सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग कृष्ण प्रेम जन्माय यार अल्प संघ। कहते जितने साधन में कहते 5 तरह का जो भक्ति ये सर्वश्रेष्ठ। अगर थोड़ी सी कहते 5 नहीं, कोई एक भक्ति का अंग अगर श्रद्धा पूर्वक कोई कर दिया ना, उससे ही जीव को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। और उसको सार रूप में लिया है श्रवण कीर्तन और स्मरण, और उसको सर्वश्रेष्ठ रूप में लिया है भगवान का नाम कीर्तन। कहते जो भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, आप बोलोगे तो हम तो लोग केवल हरिनाम ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और तो कुछ कर ही नहीं रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब हम तो हरि कीर्तन कर रहे हैं, भक्ति कैसे हो गया? केवल केवल हरे कृष्ण कर रही भक्ति। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं, कहते श्री नाम उच्चारण कई भक्ति वलिया जानिबेन, हरिनामयेर आर अन्न अल्टरनेट भी नाई। इसलिए अल्टरनेटिव तो क्या होता है उसको, विकल्प विकल्प। इसलिए कहते हरिनामयेर आर हैं, कोई विकल्प कुछ है नहीं हरिनाम के सिवाय। हाँ, कोई सोचेगा हरिनाम का विनिमय में और कुछ कर ले, बोले नहीं, हरिनाम को द्वारा ही जीव का कल्याण होगा। इसलिए कहते नाम रूप गुण और लीला। कहते जब भगवान का नाम करना शुरू कर देंगे, जब हरिनाम करते करते हमारी हृदय निर्मल हो जाएगा, फिर भगवान का नाम करते करते उनका रूप अपने आप उनकी रूप प्रकट होगा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे भगवान की गुण प्रकाश होगा, पर हृदय में भगवान की लीला प्रकट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कृत्वा जातानुराग दुर्तचित उच्चैः हसत्यथ रोदति रौति गायति उन्मादवत लोकवाज्य। इसलिए कहते जब भगवान का नाम जप करेंगे, नाम जप करते करते क्या होगा, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कृत्वा, अपना प्रिय नाम करते 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 उसके बाद में हृदय धीरे धीरे हृदय पिघलने लग जाएगा, हृदय तुम्हारी द्रवीभूत तो होने लग जाएगा। हृदय जब द्रवीभूत तो होने लग जाएगा, फिर क्या समझो, फिर कभी भगवान की लीला हृदय में, जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं, हृदय में भी भगवान की लीला प्रकट होने लग जाएगा। प्रभु का लीला देख कर कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी नाचेगा। हाँ, लोग क्या बोल रहे नहीं बोल रहे उसको ये भ्रूक्षेप नहीं रहेगा। अभी क्या है, अगर थोड़ा
आश्रम के भाई वो कर जाए। सोचे कि भैया लोग क्या बोलेंगे, पागल तो नहीं हो गया, ये तो पागल तो नहीं हो गया कि हरे कृष्ण बोले। लेकिन उसी समय में कौन क्या बोलता नहीं बोलता इस विषय पर उनकी भ्रुक्षेप नहीं बोले रहेगा हैं, इसलिए साधारण लोग तो उसको पागल समझेंगे, उसको पागल समझेंगे। इसलिए बोले हसत्यथा, बोले हंसा क्यों, बोले इसलिए हंसता है उसके हृदय में प्रभु की सुंदर 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 लीला प्रकट होने लग जाता है हैं, सुंदर सुंदर लीला। तब विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं भैया कौन सा लीला प्रकट होता है जो कि हंसता है। बोले उदाहरण दिया, बोले एक समय एक गोपी सोच रही है कृष्ण तो घर में आते हैं हैं, कृष्ण घर में आते हैं एक बार तो उसको दर्शन कर देते हैं, लेकिन कृष्ण जब मक्खन खा कर चले जाते हैं ना, और हृदय दुखी कृष्ण, इसका हृदय दुखी दुखी हो जाता है, कृष्ण हृदय से चले गए हैं, कृष्ण चले गए, बोले कृष्ण को बांध करके रखूंगी और पास में बैठ के ना खूब अच्छे तरह से निहारती निहारूंगी उनको, और सूरत को मैं निहारूंगी। इसलिए वो गोपी पहले से ही मटके में हाँ मक्खन रख करके रख दिया और घर की कोड़े में छुप बैठी। बोले कृष्ण आएगा तो बांध कर रखूंगी। कृष्ण आए, इधर देखे उधर देखे, आगे देखे पीछे देखे, देखा कोई है ही नहीं, बिल्ली जैसे धीरे 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 अंदर में गए और मक्खन खाना शुरू कर दिया। गोपी तो खुश हो गई, आज मेरी मक्खन ना सार्थकता हो गया, क्यों आज कृष्ण मक्खन खाया हमारी हैं, कितने भाग्य से भगवान खाते हैं, इसलिए बड़ी खुश हो रही थी। अभी कृष्ण जाने वाले थे, बार झट जाकर हाथ पकड़ ली, बोले कहाँ जाओगे, बोले तेरे को आज घर में बांध कर रखूंगी। बोले क्यों रखूंगी, बोले पास में बैठ करके खूब तेरे रूप देखूंगा। इतने में बोले कृष्ण को बोले खम्भे में हाथ रख, अपना रस्सी को निकाली, निकाल कर जब बांधने के लिए गई, भगवान का हाथ तो मक्खन से भी ज्यादा कोमल, वो खिसक जाए बंधने में नहीं आए। कृष्ण ने कहा गोपी कभी जीवन में तू बंधी गई कि नहीं, बोले नहीं कभी। बोले खुद जब बंधी नहीं जाओगे दूसरों को बांधो कैसे, बोले तेरे को क्या बांधना आता है, बोले और क्या, मैं तो बड़े बड़े ऋषि जोगी हाँ भोगियों को भी अपना प्रेम रस्सी में सारा दुनिया को मैं बांध देता हूँ। कहते आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्बन अहितो की भक्ति इत्थं भूत गुणहरि। भगवान की जो महिमा, जो महिमा कहते वो महिमा में अगर एक बार कोई पढ़ जाए ना, कहते आत्मा रामस्य मुनयो, आत्मा में जो रमण करने वाले मुनि भी कुर्बन अहितो की भक्ति, वो भी सारे ब्रह्म ध्यान को छोड़ करके क्या करते हैं, भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में वो भी लग जाते हैं। कुर्बन अहितो की भक्ति, ऐसे भगवान की हरि की महिमा, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जी थे हैं, सुखदेव गोस्वामी, चतुसर, अभी बोले बड़े बड़े ऋषियों को भी, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी, बड़े बड़े योगियों को भी मैं अपना प्रेम रज्जु में उन्हें भी बांध देता हूँ। और तुम्हारी बात क्या, बोले रख अभी दिखाता हूँ। बोले एक लपेटे दो लपेटे, एक गांठ दो गांठ, गुण गांठ अच्छे तरह से बांध दिए। बोले कन्हैया तेरे को तो अच्छे तरह से बांधना आता है, बोले और क्या, बोले खोल दे, बोले अभी तक मैं किसी को खोला ही नहीं, सबको मैंने बांधा ही, सबको किसको तुम्हें कभी खोला ही नहीं, मैं तो बांधना ही आता ही क्या। बोले इतने में कृष्ण अंगूठा दिखाई ना तो भाग गए। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं वो भक्त क्यों हंसता है, कहते तो उसका हृदय में कहते कैसे, केवल हरि नाम करते करते और कोई नहीं, ये सब लीला प्रकट होगा केवल हरि नाम करते करते। इसलिए चेतु दर्पण मार्जनम, केवल भगवत नाम से ही हृदय रूपी दर्पण साफ हो जाएगा, संसार का संपूर्ण दुख खत्म हो जाएगी, हृदय रूपी कुमुदिनी खुल जाएगी, विद्या रूपी वधु का ये जीवन स्वरूप है, प्रति पद पद में नई नई आनंद की अनुभूति होगी, संपूर्ण भक्ति रस में सराबर हो जाए, कैसे केवल ये हरि नाम करते करते। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं देखो नाम उच्चारण कही भक्ति बलिया जानिबे, हरि नाम ही भक्ति है। और एक बात है, हरि नाम सब भी नहीं कर सकते। अब देखना बैठ करके भले ही हम घंटे घंटे तक देखना बात कर लेते इधर उधर का, लेकिन आप बोले एक जगह पर स्थिर
होकर माला लेकर के तुलसी के सामने हो, ठाकुर के सामने हो, बैठ कर हरि नाम करो, नहीं होगा। मन में खिलबिली खिलबिली, ये माला कब पूरी होगा, अभी पूरी नहीं हो रही है। बारम्बार निकाल के लेकर के उसको देखने लग जाते, अभी भी माला हमारी पूरी नहीं हुई। अब देखना वैसे बात में हमारे घंटे घंटे बीत जाती है, लेकिन थोड़ी को बोलो हरि नाम लेकर एक जगह पर बैठो, बैठ करके हरि नाम करो, अंदर में खिलबिली खिलबिली मचती, ये कब खत्म होगी, माला कब खत्म होगी। हाँ, ये माला खत्म नहीं हो रहा है, रोटी ठंडा हो रहा है, माला खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, इसलिए कहते जने पूर्व सत जन्मम, बोलो सदातिष्ठति भारत। कृष्ण कहते हे अर्जुन, कौन व्यक्ति हरि कीर्तन कर सकते, हरि नाम कौन कर सकते, बोले जने पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम, जिसने पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने वासुदेव की अर्चन पूजा की है, तन्मुखे हरि नामानि सदा तिष्ठति भारत। हे अर्जुन, उसी की मुँह में ही हर समय भगवान की नाम उच्चारण होगा। भगवान का नाम सब नहीं कर सकते हैं, देखना मोबाइल में ही मोबाइल ही देख देख करके बस सब उसमें भी समय बीत जाती है, मोबाइल देख देख कर समय, लेकिन प्रभु का नाम लेकर के बैठ करके एक जगह में हृदय से पुकार पुकार करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, नहीं कर पाता है। बोले अहोबत सपोच अतो गरियान, कहते चंडाल क्यों नहीं हो, अगर उसको जीवाग्रे जीवा की अग्र देश में अगर भगवान उच्चारण करता है, क्या समझो उसने पूर्व जन्म में 4 काम करके आए, 4 काम करके आए, सारा तीर्थ करके आए, सारे दान पुण्य किया है, पूर्व जन्म में सारे यज्ञ किया है और सारे तपस्या किया हुआ, तभी इसी जीवन में कहते संपूर्ण जीवा में नहीं जीवाग्रे, बोले जीवा की अग्र देश में जिसकी हरि नाम उच्चारण हो जाता है उसका इतना महिमा। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जिसकी संपूर्ण जीवा में हरि नाम हो, कहते जीवा के अग्र देश में जो हरि नाम करता है, लेकिन जिसका संपूर्ण जीवा में भगवत नाम उच्चारण होते है, कहते उसका सौभाग्य हम क्या बताएं। बोले 2 कान में जो कथा सुनते हैं, बोले उसका तो और ज्यादा भाग्यवान है। बोले जितनी 2 आंखों से जो ठाकुर को दर्शन करते हैं, कहते उसका तो महिमा आप बता ही नहीं सकते। बोले 2 पैर से जो परिक्रमा करते हैं, भगवान के मंदिर में आते हैं, बोले भैया वो तो बहुत भाग्यवान। बोले अपना हृदय से जो भगवान को स्मरण करते हैं, बोले भैया और भाग्यवान है, और भी भाग्यवान है। इसलिए अहोबत सपोच अतो गरियान, कहते एक चंडाल भी अगर प्रभु का नाम ग्रहण करता है उसका इतना महिमा, इतने महिमा। इसलिए रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, जो व्यक्ति, हाँ पद्यावली में कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है उसको 3 काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है, क्या क्या, बोले जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, बोले रजिस्टर लाओ, बोले क्यों, बोले उसका नाम काट दो, अभी नरक नहीं आएगा, क्यों हरि नाम कर रहा है। गोलोक वृंदावन में श्री राधा रानी अपना सखी से कहती हैं, बोले रजिस्टर ले आओ, बोले क्यों, इसका नाम लिख दो, क्यों, हरि नाम ले रहा है ना, अभी मेरे धाम में आएगा। और श्री ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में उनके लिए आरती की थाली की सजाना शुरू कर देते हैं, हैं थाली सजाते हैं, जब वो भूर भुव मोह जन तप सत्य लोक को पार करेगा, मैं उसको बीच में आरती। इतने हरिनाम करने का इतना महत्व है, देखो हम रोज रोज हरिनाम की कथा सुनते हैं महिमा, लेकिन सुन करके तभी हरिनाम में रुचि नहीं होती, बारम्बार सुन रहे हरिनाम के ऊपर में कितना कथा सुन रहे हैं तब भी हमारी हरिनाम में रुचि नहीं होती है। इसलिए बोले अनावृत्ति शब्दात, मतलब पुनः पुनः सुन सुन करके अगर दिमाग में कहीं बैठ ही जाए, तो कभी ये चीज दिमाग में बैठ जाए, हरिनाम के सिवाय जीवन में और कोई गति है ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भैया हरिनाम में रुचि होना साधारण बात नहीं, अगर तुम्हारे हरिनाम में रुचि हो गई, समझना सारे भक्ति तुम्हारी हो गई, सारी भक्ति करना
तुम्हारी, अगर हरि नाम में तुम्हारी रुचि हो गई तो इसलिए क्या करनी चाहिए, हर समय उठते बैठते चलते करते रहो और मुंह में भगवान के नाम लेते रहो, भगवान की नाम लेते रहो। जहरा प्रत्यह लक्ष्य नाम ग्रहण ना करें करें ना तादेर प्रदत्त कौन वस्तु ही भगवान ग्रहण करें ना, जो 1,00,000 हरिनाम ग्रहण नहीं करते हैं भगवान उसका हाथ का दिया हुआ वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए कद भगवत भक्त मात्र ही गुरुवानुगत्य प्रत्यह लक्ष्य नाम ग्रहण करिबेन नतुवा या भगवत सेवा करते असमर्थ है। कहते महाप्रभु ने क्यों ये बात को बताए, 1,00,000 हरिनाम करो, इसका क्या रहस्य क्या है? कहते उसका रहस्य क्या है, उसका रहस्य कहते हैं, अगर विश्वनाथ चक्र उदाहरण देते हैं, अगर किसकी पैर में कोई कांटा गड़ गया फिर देखना वो कांटा को निकालने के लिए और एक कांटा की जरूरत है, और एक कांटा की जरूरत है, फिर वो कांटा को एक कांटा से दूसरे कांटा निकाल लेते हैं। तो उदाहरण देते हैं, हमारे हृदय में भी एक विषय रूपी कांटा गड़ गई, विषय का कांटा हृदय में गड़ गई, अभी वो कांटा को कैसे निकालेंगे, फिर और एक कांटा की जरूरत है। बोले और एक कांटा की जरूरत मतलब क्या? बोले मतलब है हमारी जो स्वभाव है ना, हमारी स्वभाव वो विषय में लग गया है, स्वभाव लगनी चाहिए भगवान में, लेकिन भगवान में नहीं लग कर कहाँ लग गया, हमारा स्वभाव विषय में लग गया, जो विषय में लग गया अभी वो कांटा गड़ गई है, अभी वो कांटा को निकालने के लिए दूसरे कांटा जरूरत है। कभी दूसरा कांटा क्या है? बोले भगवान की भक्ति की कांटा है, भगवान की भक्ति की कांटा है। अगर कोई व्यक्ति कोशिश करता है आज मैं रोज रोज 1,00,000 हरिनाम ग्रहण करूँगा, अब देखना उसके पास वो समय नहीं रह जाएगा इधर उधर बात करने की, हैं इधर उधर बात करने उसको समय नहीं रह जाएगा, या इसको साथ में बात करे उसको साथ में बात करे, क्यों? अभी उसको 1,00,000 हरिनाम करने के लिए 6 घंटा 7 घंटा उसको लगेगा। अगर दिन में वो 6-7 घंटा अगर हरिनाम में अगर लगाएगा तो भैया उसको समय कहाँ है, उसे समय कहाँ दूसरे बात करने के लिए, दूसरे को साथ में हंसी दिल्ला करने के लिए, क्योंकि भैया माला खत्म नहीं हुई, हमारी माला खत्म नहीं हुई है, हमारी माला ही खत्म नहीं हुआ, हम दूसरे साथ बात कैसे कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद यह कहते हैं प्रत्यह गुरुवा गुरु कहते प्रत्यह लक्ष्य नाम ग्रहण करिबे, करने से क्या होता नतुवा नहीं तो विविध विषय आसक्त है या भगवत सेवा करते असमर्थ है बेन, फिर हमारी जो आसक्ति हैं कहते हमारे जो आसक्त विषय में हो करके फिर क्या होगा भगवत सेवा करने में असमर्थ होएंगे। इसलिए महाप्रभु बोले भैया रोजाना कोशिश कर 1,00,000 हरिनाम ग्रहण करने के लिए। तजन्य गौड़ीय मठेरे आश्रित सकले ही लक्ष्य नाम ग्रहण करिया थाके, कहते जो गौड़ीय मठ में आश्रय ग्रहण किए हैं इसलिए वो क्या करते हैं रोजाना 1,00,000 हरिनाम ग्रहण करने के लिए वो प्रचेष्टा करते हैं। नामाचार्य श्री गुरुदेवेर निष्कपट अनुगत्य ओ प्रीतिपूर्वक गुरु सेवा व्यतीत हरिनाम है ना या हो सतत मने राखिबेन। नामाचार्य श्री गुरुदेव निष्कपट अनुगत्य प्रीति पूर्वक सेवा व्यतीत हरिनाम है ना, कहते जब तक हम गुरु जी के अनुगत्य नहीं करते हैं, जो नाम के आचार्य जो गुरुदेव जब तक उनके अनुगत्य नहीं करते हैं तब तक भगवत सेवा हैं वा हरिनाम नहीं कर सकते हैं, इसको याद रखना। कत अपराध परित्याग पूर्वक गुरुवानुगत्य हरिनाम ग्रहणेर इच्छा कर ले सब समय हरिनाम करते करते अपराध जाइबे, इसलिए बोले ना 10 तरह का अपराध है, 10 तरह का अपराध है, कभी 10 तरह का अपराध को अगर कोशिश कोई करे
छोड़ करके हरि नाम करे, बहुत कोशिश करने पर ये 10 तरह का अपराध दूर हो जाता है, कोशिश करने पर अपराध दूर हो जाता है। लेकिन कहते शरीर में जो मैं और मेरापन है ना, जो जो आसक्ति, हाँ शरीर में जो हमारी आसक्ति है, कहते ये सहज में नहीं जाता है, ये जरा बहुत कठिन है। इसलिए नाम करते 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 देह का स्थूल का शरीर का जो अभिमान दूर होनी चाहिए, लेकिन वो सहज में ये चीज़ नहीं जाती है। तो प्रभुपाद कहते जाएगा कैसे, बोले वो जाएगा लेकिन जब हम हर समय हरि नाम करते रहेंगे, हरि नाम में अगर हमारे आवेश रहेंगे ना, फिर ये शरीर में आवेश हमारी नहीं रहेगी। हरि नाम इच्छा कर ले सकल सकल समय हरि नाम करते करते अपराध जाएंगे। जब हर समय हम हरि नाम करेंगे तब अपराध तभी खंडन होएगा। अमादर दुर्दैव अपन नोदन रे अन्य कौन उपाय नाई। हमारा जो हमारी जो दुर्दशा, दुर्दशा समझते हो क्या? हाँ हाँ, इसलिए हमारे जो दुर्दैव, हमारे जो खराब हालत है, जो बुरी हालत है, हाँ बुरी हालत है, अपनोदन अन्य कौन उपाय नहीं, उसको अपनोदन मतलब उसको छोड़ने का है, उसको छोड़ने का और कोई उपाय नहीं, श्री नाम भजन व्यतीत। नाम भजन को छोड़ करके और कोई उपाय नहीं। जे सब दुर्भागा एकमात्र भजन शब्द वाच्य श्री नाम कीर्तन उदासीन हैया अन्य भजन रे छलना करें एवं गुरु वैष्णव सेवा छाड़िया नाम भजन बा पाठ करियो अभिनय करें तादर दाम्भिक बोलिया तादर कौन दिन मंगल है ना। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कहते हैं जे सब दुर्भागा कहते ऐसे ऐसे कुछ दुर्भाग्य व्यक्ति होते हैं, एकमात्र नाम भजन शब्द वाच्य नाम कीर्तन उदासीन है या अन्य भजन न चलन करें। कहते कलयुग में कहते नाम भजन के छोड़ करके और अगर किसी उपाय के द्वारा हैं, अगर कोई और के उपाय के द्वारा अगर अनर्थ को दूर करना चाहते हैं, कहते वो सबके सब दुर्भागा है। करें एवं गुरु सेवा छाड़िया नाम भजन, कहते गुरुदेव का सेवा छोड़ करके नाम भजन भागवत द्वार अभिनय करें ताहरा दाम्भिक बोलिया तादरे कौन मंगल है ना। इसलिए कहते हैं ये नाम भजन छोड़ करके हैं, इसलिए कहते जो 5 तरह का जो भक्ति बताया, जैसे भागवत श्रवण, जैसे मथुरावास, हाँ विग्रह सेवा, कहते प्रभुपाद कहते हैं कहते ये जितने सारे चीज है ये नाम भजन को साथ में जोड़ कर करना पड़ेगा। भागवत जो कुछ अंग है कहते नाम भजन से जोड़ करके, जैसे अर्चन पूजा कर रहे हैं ठाकुर जी अर्चन पूजा, उसके साथ में भगवान का नाम करते करते अर्चन पूजा करो हैं। इसलिए जैसे हम लोग मथुरावास करते हैं हरि नाम को साथ में जोड़ करके मथुरावास करो, जैसे भागवत श्रवण करते हैं पाठ करते हैं हरि नाम को साथ में जोड़ करके, कहते हर चीज़ को साथ में क्या करो हरि नाम को जोड़ करके करना पड़ेगा, नहीं तो सबके सब जीरो हो जाएगी। इसलिए ना किसने कितना टाइम हो गया, किसने प्रश्न किया सन्यासी भक्तेर चरणे हाथ देवा की उचित। देखो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न किया, कहते सन्यासी जो है हैं, कहते उनका चरण में हाथ देना क्या उचित है क्या? तो प्रभुपाद कहते हैं यही भोगन मुख देह बा पाप देह लैया साधु गुरु चरण हाथ दिया उचित नय। इसलिए कहते हैं, इसलिए मैंने देखा हमारे जो गुरु जी के ना, कहते माताओं को तो चरण छूने नहीं देती थी, हाँ नहीं देती। जैसे हमने देखा गुरुदेव जब चले जाते थे, जब जहाँ पर चरण रख कर गुरुदेव चले गए, चरण रख करके
और चरण जहाँ पर चरण रखे थे उन्होंने वहीं पर अपना हाथ को दे करके प्रणाम करते थे। उसी वहीं पर उन्होंने अपना प्रणाम उन्होंने उसी में ही अपना प्रणाम करते थे, उसी में ही प्रणाम करते थे। इसलिए कहते ये हमारा जो शरीर है ये भोगन मुखी देह है, भोग वृत्ति हमारे अंदर में, हमारी शरीर पाप है, इसलिए साधु चरण हाथ देना उचित न है। कहते ये पाप शरीर से साधुओं को चरण में हाथ देना नहीं चाहिए। श्री चरण हाथ दिले यदि साधु गुरु असंतुष्ट बा दुखित हन ता हले ही अमंगल ही हलो। जैसे हम कि साधु गुरु वैष्णव का चरण में हाथ लगाए, अगर वो दुखी होते हैं फिर उनका चरण में हाथ देने का क्या लाभ है? जिसको द्वारा वो संतुष्ट नहीं होते हैं, अगर हम चरण में हाथ दिए संतुष्ट नहीं हुए तो उसका लाभ क्या हुआ भाई? उसमें लाभ नहीं हुआ है। इसलिए कहते सन्यासी भक्तगण ये सब आदो पसंद करें ना। जो सन्यासी भक्त हैं वो कभी ये चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हमारे बामन गोस्वामी महाराज लास्ट में उनको डॉक्टर ने बोल दिया, पहले उन सब भक्त लोग चरण धुल लेते थे, चरण करते थे। जब हम किसी के चरण छूते हैं ना क्या होता है, यद्यपि चरण सर्वश्रेष्ठ स्थान है, हाँ उनकी चरण में भक्ति कहते ना भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल भक्त भुक्त तीन ऐ साधन निर्बल। तीन चीज भगवत भक्त प्राप्त कराने में सबसे जल्दी जल्दी मदद करते हैं, चरण धूलि हैं और चरणामृत और उनकी अधरामृत व कथामृत है। ये तीन चीज़ देता है, सबसे जल्दी से जल्दी ये चीज़ देता है। इसलिए भक्त लोग चाहते हैं गुरुदेव का चरण स्पर्श करें, लेकिन लास्ट समय में उनको डॉक्टर ने मना कर दिया, आप किसको चरण छूने मत दिया करो, उन्हें मना कर दिया। इसलिए महाराज के सामने लिख करके रख दिया, कोई भी चरण में हाथ स्पर्श नहीं करना, मना कर दिया लास्ट में। क्योंकि जब चरण में हाथ देते उसमें क्या होता है, कुछ उनकी शक्ति जाती है, इसलिए बीमार लास्ट में थोड़ी बीमार में पड़े। डॉक्टर बोले आपके चरण में हाथ देने पर क्या होता, उसका एनर्जी, अगर कोई गंदे व्यक्ति होगा हाथ देगा उसका एनर्जी भी आती है और दूसरे उसका एनर्जी भी ले लेते हैं, कुछ लेते हैं। वैसे तो कोई प्रणाम नहीं करते हैं, क्यों प्रणाम करते हैं, चरण क्यों छूते हैं? भक्ति मिले हमें, उनसे भक्ति मिले, यहाँ भक्ति मिले इसलिए चरण में हाथ देते हैं। इसलिए डॉक्टर ने मना कर दिया किसको चरण में हाथ लगाने को लास्ट में, इसलिए लिखा हुआ रहता था। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सन्यासी भक्त ये सब आदौ पसंद करे ना। कहते सन्यासी भक्त एकदम ये चीज को पसंद नहीं करते हैं। साधु गुरु चरण हाथ देवा लोकर एकटा रोग बा खेलार है दाड़िए छे। कहते साधुओं को चरण में हाथ देना लोगों का एक तरह का रोग हो गया है, हैं है चरण में हाथ देंगे चरण छुएंगे और खेला हो गए छे दाड़िए गए छे, खेला बुझते पर छे एक तरह का खेल नाटक हो गया है। प्रत्येक कार्य गुरु कृष्ण सुखी हछन कि ना से दिगे आमादर तीव्र दृष्टि थाका दरकार। इसलिए हम जो भी काम करते हैं उसमें विचार करनी चाहिए गुरु कृष्ण उसमें प्रसन्न क्या हो रहे हैं, ये चीज को हाँ ये चीज को हमें ध्यान भी रखनी चाहिए, तभी तो मंगल हबे, तभी तो मंगल होगा, हाँ तभी तो मंगल होगा। ता ना होले तो निजेर पाए निजे ही कुड़ाल मारा होलो, नहीं तो अपना प्यार में खुद ही कुड़ाल को खुद मारे, हाँ समझ रहे ना, नहीं तो अपना प्यार में खुद कुड़ाल मारे। इसलिए जहरा भाव प्रवणता बा उत्तेजनार बसवर्ती हया माद्री स संन्यासरी पाद स्पर्श करते उद्यत ताहा दिग कामी हमार गुरुदेवर भाषाए बोलची। कहते जो लोग ज्यादा भाव प्रवणता मतलब होता है ज्यादा भावुकता हो करके बा उत्तेजनार बसीवर्त हो करके, उत्तेजना का बसवर्ती हो करके मेरे जैसे सन्यासी का चरण को स्पर्श करने के लिए उद्यत होते हैं, ताहा दिगामी हमारे गुरुदेव भाषाएं बोलची, उन लोगों को मैं
अपना गुरु जी की भाषा के द्वारा बोल रहा हूँ, क्या तारा साधुर पद तुल्य ग्रहण जन्य हस्त प्रसारणी साहस करीबे के न, कथा हमारे गुरु जी की भाषा में बोल रहा हूँ। कहते ताहरा साधुर पद तुल्य ग्रहण जन्य हस्त प्रसारण साहस करीबे के न, इसलिए कहते क्यों वो साधुओं का चरण स्पर्श करने के लिए क्यों हाथ को बढ़ाएंगे क्यों, ए रूप दुस्साहस की भाल, कहते ऐसे दुस्साहस की अच्छा चीज है, इसलिए ताहदेर एमन की योग्यता छे, उनका अंदर में ऐसे क्या योग्यता जहाते ताहरा निज के ए रूप योग्य बा बड़े मन करते पारे, उनका अंदर में ऐसे क्या योग्यता है जो कि अपनी आप को उतना बड़ा योग्य मानते हैं। साधु गुरु सेवा बात सुखेर दिके दृष्टि नाई ए रूप गृहसक्त लोकेर साधु गुरु पाद स्पर्श कराजे अन्याय ताही अनुमेय, साधु गुरु दृष्टि ना दे करके, इसलिए हम कोई भी काम करे सबसे पहले देखे इसको द्वारा क्या साधु गुरु प्रसन्न हो रहे क्या प्रसन्न नहीं हो रहे, ये चीज को पहले तो देखो ना, अपना प्रसन्नता मत देखा करो, देखो साधु गुरु उसमें प्रसन्न हो रहे कि नहीं। ए रूप गृहसक्त लोकेर, हाँ जो ऐसे जो गृह में आसक्ति जो व्यक्ति है साधु गुरु पाद स्पर्श करा जे अन्याय, साधु गुरु वैष्णव का चरण स्पर्श करा ये हमारी अन्याय है, हाँ तो सहज रूप में ये दृष्टि होता है, इसलिए अपनारा यदि दूर होते प्रणाम अति करें ताहले आमराओ दूर होते प्रणाम करते पारी, इसलिए जब दूर से कोई प्रणाम करते हैं जो साधु लोग है ना किसका कोई वस्तु को ग्रहण नहीं करते उसी समय उसको वापस दे देते हैं, इसलिए प्रभुपाद को कोई प्रणाम करता था प्रभुपाद खुद प्रणाम करते थे, खुद प्रणाम करते थे, बोले क्यों, बोले भैया तुम मेरे को प्रणाम कर रहे हो, इसलिए हम प्रणाम लेने का हमारा अधिकार ही नहीं, इसलिए मैं भी तुम्हें प्रणाम करके तुम्हारे प्रणाम मैं भी तुमको दे दिया, मैं तुमको प्रणाम करके मैं भी तुमको प्रणाम दे दिया है। इसलिए एक समय हमारे भक्तिवेदन नारायण गोस्वामी महाराज बोल रहे थे, कहते मैंने जो विदेश गया तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आए गुरुदेव को पूजा किया आरती कर रहे थे गुरुदेव को कर रहे थे, उस समय गुरुदेव सोच रहे थे कहते ये मेरे को क्यों प्रणाम कर रहे मेरी पूजा क्यों कर रहे, कहते गुरुदेव ने हमें तीन चीज दिया है, गले में कंठी दिया तिलक दिया और गुरुदेव ने ये वस्त्र दिया, सब जो प्रणाम कर रहे साधु देख रहे थे प्रणाम कर रहे ना साधु को देख रहे तिलक कंठी माला गुरुदेव ने हमें सब कुछ दिया, इसलिए गुरुदेव बोल रहे थे मैं वहाँ बैठ बैठ करके मैं क्या कर रहा था, बोले हे गुरुदेव हम अगर घर में रहते हमें कौन पूछता, अगर हम घर में रहता हमें कोई दुनिया में नहीं पूछते, गुरुदेव एक बार बोल रहे थे कहते हमारे बड़े भाई भी घर है हमारे बड़े भाई उनको कौन दुनिया में कौन पूछ रहा है, कोई पूछ नहीं रहे उनको, लेकिन अभी हमें क्यों पूछ रहा है सारा दुनिया में, इसलिए हमें दुनिया में पूछ रहे हैं चूँकि हम श्री गुरु जी की शरण में आए, गुरु जी हमें तिलक कंठी माला दिया दिया गुरु जी कृपा हुई तभी तो सारा दुनिया मेरे को पूजा कर रहे हैं, इसलिए गुरुदेव बोल रहे थे मैं बैठी बैठी करके जो मेरे को पूजा सेवा कर रहा था, बोले गुरुदेव आप ही ये सब कुछ हमें दिए है ये सब चीज हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ये सब चीज मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, ये सब चीज मैं आपको अर्पण कर रहा आपकी वजह से ही हमारी जगत में पूजा है, नहीं तो हमें कौन पूछता, हमारे बड़े भाई भी घर में उनको दुनिया में कोई पूछ नहीं रहे, जो कुछ पूछ रहे गुरु जी कृपा, लेकिन ये कभी कभी ना हम बद्ध जीव होने के नाते हमारे अंदर में अभिमान आ जाते, ये सब चीज़ को हजम करना इतने सहज नहीं, ये सब चीज़ को हजम करना इतना सहज नहीं, इसलिए बावन गोस्वामी महाराज कहते थे की छीनू और की होनू, वो कहते थे की छीनू और की होनू, मतलब पहले क्या था अभी मैंने क्या बन गया, कभी कभी अहंकार आ जाती साधारण जीवन में अभिमान अहंकार आ जाते थे, अरे हम इतने बड़े हो गए, फिर क्या होता है गुरु वैष्णव को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते, इसलिए सारा जीवन भक्ति पथ में रह करके हाँ जितने बड़े होने पर भी साधु गुरु वैष्णव को उपयुक्त सम्मान दे करके रहना बड़ा कठिन, नहीं तो
जीव का पतन हो जाता है, ये चीज़ को हजम नहीं कर सकता है जीव, ये चीज़ को हजम, इसलिए हर समय तृणादपि सुनिचे न थररपि सहिष्णुना अमानी नांग मान देना कीर्तनीय सुधार। इसलिए जितने बड़े होने पर भी जैसे वृक्ष में फल आ जाए वो झुक जाती है, उसी तरह हमारे अंदर में जितने ये आकर भी नहीं लाना, ये चीज को गांठ बांध के रखनी चाहिए। हैं ऐसे नहीं लोग थोड़ी सी प्रणाम दे दिया, आदर जतन करने लग गए, थोड़ा सम्मान करने लग जाए, फिर तो सोचने लग जाते अरे हम तो क्या हो गए। ये चीज को हजम करना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन है, कभी कभी अभिमान अहंकार आ जाती है। इसलिए हर समय जितने हमारे अंदर में गुण आने पर भी ये किसकी कृपा है, गुरु वैष्णव की कृपा, किसका कृपा है, गुरु वैष्णव की एक कृपा है। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये चीज को हजम करना बड़ा कठिन है। इसलिए हम देखा हम नारायण गोसाई महाराज जितने वैष्णव आते सबको सेवा करते थे, सबका सेवा करते थे महाराज, तब वैष्णव का आदर देना, प्रणाम करना, प्रणाम करना, कहते गुरुदेव के गुरुदेव हैं, गुरुदेव जूनी गुरुदेव से पहले कोई कोई मंदिर जैसे त्रिविक्रम गोसाई महाराज उनसे पहले आए, त्रिविक्रम गोसाई महाराज बावन गोसाई महाराज उनको पहले आए, लेकिन आने पर सबको प्रणाम करना है, लेकिन गुरुदेव का कितना इज्जत कितने महिमा होने पर भी गुरुदेव प्रणाम करते थे। त्रिविक्रम महाराज को देखता था वो क्या करते थे, जब कोई देखते थे कोई है नहीं ना मथुरा में, जो गुरुदेव का जो पादुका बाहर रहता था, तब जब देखते कोई नहीं तब त्रिविक्रम महाराज को प्रणाम करते थे, छुप करके प्रणाम कर लेते थे। हाँ प्रणाम कर लेते थे, वो गुरुदेव के सीनियर है, गुरुदेव से सीनियर है, लेकिन उसको प्रणाम करते थे। बोले क्यों, कहते उनके अंदर में जो भजन आदर्श था, हाँ भजन का जो आदर्श था बहुत बड़ी भजन आदर्श उनके अंदर में थी, इसलिए छुप कर प्रणाम करते थे। इसलिए वैष्णव जगत में हम जितने दीनहीन होकर रहेंगे हैं, उतना ही हमारी भक्ति जगत में उतना ही बढ़ोत तो होगा। अगर अभी थोड़ी चीज में अगर हमारा अभिमान आ गया, अरे नहीं अभिमान कभी भी नहीं आनी चाहिए, ये चीज को हमें हर समय ध्यान रखना चाहिए। जितने बड़े हो जाए हर समय गुरु वैष्णव को अनुगत्य में सभी को सम्मान देते, सबका आदर यत्न करते हुए हमें चलनी चाहिए। इसलिए प्रणाम कर आर यदि दुई आर यदि पाँच छुई बार चेष्टा लइया कड़ाकड़ी होए तब स्थूल व्यापार ही चित्त आकृष्ट है लो। हाँ अगर प्यार चरण को छूने के लिए अगर प्यार को छूने के लिए अगर कड़ाकड़ी है, कड़ाकड़ी बुझते पर छो हाँ कड़ाकड़ी है ये हाँ तब स्थूल कड़ाकड़ी मतलब कब मैं प्यार छू, उससे पहले मैं अपना गुरुदेव का चरण छू, कभी कभी धक्का मुक्की होता है ना, धक्का मुक्की होता है, और धक्का मुक्की अगर करोगे प्यार छूने के लिए धक्का मुक्की करोगे तो फिर क्या होगा, तब तो स्थूल व्यापार ही चित्त आकृष्ट है लो, उसका जो आकृष्ट स्थूल वस्तु में है कैसे प्यार को कैसे जोर जबरदस्त से लड़ाई करके कैसे ले, नहीं कहते स्थूल। इसलिए मंगलर परिवर्ते अमंगल के ही आह्वान करा है लो, मंगल का परिवर्तन में अमंगल को ही आह्वान करते हैं, हिते विपरीत फल फली फली लो। हाँ तुम्हारी कल्याण नहीं हो करके जीवन में हित नहीं हो करके अहित मतलब अमंगल हो लो, सुतराम ए रूप अपराधमय कार्य है ते मंगलाकांक्षी व्यक्ति मात्र रही सावधान हवा उचित, ये सब अपराध है। इसलिए ये अपराध है ते क्या करनी चाहिए, जो जीवन में मंगल चाहते हैं उनको सावधान होनी चाहिए, इसलिए सन्यासियों का चरण में हाथ नहीं देनी चाहिए, प्रभुपाद मना कर, देखो प्रभुपाद कितने, इसलिए महाप्रभु भी ये सब चीज का आदर्श दिया है। हाँ महाप्रभु आदर्श क्या आदर्श दिया, महाप्रभु भगवान महाप्रभु जो किसी जाते थे ना जगन्नाथ मंदिर में जाते थे अपना प्यार क्या कर धो करके तभी महाप्रभु अंदर में जाते थे, और वहां पर गोविंद को खड़े कर देते थे, बोले गोविंद, क्योंकि महाप्रभु जब चरण जो धो तो करते थे सारी दुनिया चाहते महाप्रभु का चरणामृत लो, बोले जब तक ये पानी सूख नहीं जाए तब तक तुम यहाँ खड़े रहना, वो कितने आगे सामने भी नहीं देते थे बाद में भी देने के लिए मना करते थे, जब तक सूख नहीं जाएगा तब तक तुम यहाँ
ऐसे आदर्श क्यों रखे? कारण है उनको पता था भविष्य में मैं अगर अपना चरणामृत दिया, भगवान तो भगवान है, लेकिन जो अनधिकारी व्यक्ति है ना, जिसका कोई अधिकार है ही नहीं, वो भी क्या करेगा? वो भी यही सब काम करना शुरू कर देगा। इसलिए गुंडीचा मंदिर में महाप्रभु का चरण को हैं कहते पानी डाल कर किसी भक्त ने चरणामृत ले लिया, महाप्रभु बिगड़ गए। बोले भगवान के मंदिर में मेरे प्यार में पानी डाल करके तुमने चरणामृत लिया। बोले स्वरूप दामोदर देखो तुम्हारी गौड़िया ने क्या किया है। तो उन्होंने उसको गले में धक्का देते 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 मंदिर का बाहर निकाल कर गया है। मतलब महाप्रभु अंदर में तो प्रसन्न है, अंदर में तो खुश है, लेकिन लोक शिक्षा के लिए महाप्रभु ने इस लीला की। क्यों? भविष्य में अगर थोड़ी सी किसके अंदर में अगर नाम थोड़ी हो जाए ना, किसकी थोड़ी प्रतिष्ठा हो जाए, बाबा रे ये सब चीज को तो हजम करना बहुत कठिन है। इसलिए महाप्रभु ने जब गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे थे, वो कपड़े से घिस घिस करके वो चीज को निकाल रहे थे। क्यों? कहते जो प्रतिष्ठा, कहते अपना बीवी छोड़ सकता है, घर छोड़ सकता है, सारा दुनिया छोड़ सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा को जीव नहीं छोड़ सकते। और जितने लड़ाई झगड़ा दुनिया में देखोगे ना, सारे इनाम नेम और फेम को लेकर के, ये सारे इसी चीज को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, जितने लड़ाई झगड़ा प्रतिष्ठा को लेकर के, कहते सारा दुनिया छोड़ दोगे, ये चीज को छोड़ना बड़ा कठिन है। और ये चीज को जो छोड़ देता है ना जगत में, इसलिए कहते हैं प्रतिष्ठा स्वभाव ए जगत निर्मित। जगत में सारा दुनिया जितने लड़ाई हो रहा है किसके लिए? प्रतिष्ठा, सारी चीज। लेकिन जे नाबा चे तार है विधाता निर्मित, लेकिन जो चाहते नहीं है ना, फिर भगवान उसको देते हैं। और जो चाहते हैं भगवान इसको नहीं देते हैं, और जो नहीं चाहते ठाकुर उसको देते हैं। कहते माधवेंद्रपुरी के लिए बताए, ठाकुर उनके लिए खीर चोरी की। उन्होंने देखा भैया सवेरे होते ही सारा दुनिया का लोग आकर के चरण धो लेना शुरू कर देंगे, इसके लिए ठाकुर खीर चोरी किया, रात वहां से भाग गए। जगन्नाथपुरी में पहुंचने से पहले जगन्नाथ स्वप्न दे दिया राजा को, बना के ब्रज से भक्त आता है जिसका नाम माधवेंद्रपुरी, वो ये चंदन लेने आ रहे हैं, तुम इकट्ठे करके उनको देना। बोले भैया कौन सा भक्त आ रहे हैं? जगन्नाथ जी हमें स्वप्न दिया। वो जब जगन्नाथपुरी आई पहले से उनके आरती की थाला लेकर के उनके लिए तैयारी खड़े। हाँ, यहाँ पर शिक्षा देते हैं खुद को नहीं चाहनी चाहिए। जे क्या करो, भगवान की शुद्ध रूप में भक्ति करो। अगर जो प्रतिष्ठा चाहते भगवान उसको नहीं देते, और जो नहीं चाहते ठाकुर जी उसको जोर जबरदस्ती ठाकुर उसको देते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछाकुलभूतिर्भ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सब बंद कर।